तुरई आपके वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी सब्जी होती है। जिनको भी प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की, जिनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, उनके पेट को ये अच्छी तरीके से क्लीन कर देगा, मतलब कि डिटॉक्स कर देगा। आपकी हेल्थ के लिए तुरई बहुत अच्छी चीज होती है। और तुरई के विटामिन सी भी होता है, बहुत सारे विटामिन होते हैं, ए भी होता है, ई थोड़ी सी मात्रा में होता है, ए भी थोड़ी सी मात्रा में होता है, पर होता जरूर है। फाइबर होता है इसमें और बहुत सारे सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं इसमें। तुरई आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी सब्जी मानी जाती है, आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छी सब्जी मानी जाती है। तुरई को अच्छी तरीके से पकाना कैसे चाहिए, तुरई की सब्जी की रेसिपी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सब्जी की रेसिपी और उसके हेल्थ बेनिफिट साथ साथ बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। तो देखते हैं आज की इस रेसिपी को। इस सब्जी को बनाने के लिए पहले हम तुरई को काट लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। मैं वीडियो को फास्ट फास्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए। तो इसको अच्छी तरीके से काट लीजिए आप बारीक बारीक। और ये येलो तुरई देख रही है, ये भी तुरई ही है, तुरई या फिर तुरई दो दो नामों से भी जानी जाती है। तो हम सारे पीसेस को, हम सारे तीनों तुरई को अच्छी तरीके से काट लेंगे और काटने के बाद करेंगे हम आगे का प्रोसेस। तो ये यहाँ पर सारी तुरई कट चुकी है, अब हम करेंगे आगे का प्रिपरेशन। तो मैंने यहाँ पर लिया एक सॉस पैन, उसमें डाला है करी पत्ता, करी पत्ते का कोई नाप नहीं है। और करी पत्ता डालने के बाद में इसमें डालूँगा 15 ml ऑयल, मस्टर्ड ऑयल डालूँगा इसमें, और दूसरा भी ऑयल डाल सकते हो आप चाहे तो, जो भी आप को कोल्ड प्रेस ऑयल होता है कोई भी ऑयल डाल दीजिए आप, कोकोनट ऑयल छोड़ करके या देसी घी छोड़ करके। तो देखिए अब ये हो चुका, ऑयल डाल चुका। अब हम पीनट्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 32 ग्राम में पीनट्स ले रहा हूँ, और पीनट्स के साथ इसमें ग्रीन चिली भी डाल देंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार चिलीज को कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं ज़्यादा चिलीज खाता हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा चिलीज अच्छी लगती है, तीखा पसंद है मुझे, चटपटा सा। और चिलीज में कोई कैलोरीज होती नहीं है, और ग्रीन चिलीज आपको कभी भी गर्मी नहीं देगी, या फिर लूज मोशन नहीं होगे, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, या फिर आपको पाइल्स भी नहीं होगा, इस बात का ध्यान दीजिए। तो गैस को ऑन करके हम इसको तड़का देंगे अब करी लीव्स को। और करी लीव्स को तड़का देने के बाद मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टली ये हमारी कटी हुई सब्जी, तो इसको हम डाल लेंगे, तुरई को डाल देंगे इसमें। और इस बात का ध्यान दीजिए आप इस तड़के के बाद ये इसमें जीरा डाल सकते हो, इसमें मस्टर्ड सीड डाल सकते हो, तो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। आप ऐसे प्लेन भी बना सकते हो या फिर डाल भी सकते हो। मैंने यहाँ पे नमक अभी डाला है, आप नमक चाहो तो सब्जी पकने के बाद भी डाल सकते हो, वो बहुत अच्छा तरीका होता है नमक डालने का, क्योंकि सब्जी के अंदर के विटामिन मिनरल्स उससे स्पॉइल नहीं हो जाते। नमक अभी डाल दोगे तो 20% विटामिन मिनरल्स नमक तोड़ देता है, इस बात का ध्यान देना। तुरई में फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आपके इंटेस्टाइन से जो भी गंदगी होती है इसको खुरच खुरच के बाहर निकालता है, इसलिए आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। और बाद में मैंने डाली इसमें टर्मरिक, और टर्मरिक अच्छी तरीके से डालने के बाद आप इसको मिलाएंगे और इसको दबा करके रख देंगे। और इसमें डाला है पानी, थोड़ा सा पानी डाले आप 50 ml से 100 ml, आपकी सब्जी के क्वांटिटी के अनुसार आप इसमें डालेंगे, और इसको ढक देंगे। और अब हम कोरिएंडर को काट लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कोरिएंडर आपको काटना दिखा रहा हूँ, मतलब कि कोरिएंडर के मैं स्टेम भी लेता हूँ और उसके लीव्स भी लेता हूँ, तो ये देखिए। और कोरिएंडर के स्टेम भी आप पकने के बाद भी डालोगे तो भी पक जाते हैं स्टेम, अगर ज़्यादा वो मोटे ना हो तो। और ज़्यादा मोटे है तो आप सब्जी के साथ पकने के लिए रख दीजिए, और लीव्स उसके बाद डाल दीजिए, पकने के बाद डाल करके ढक दीजिए। तो मेरा यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, इतना ज़्यादा सब्जी को, मतलब कि कोरिएंडर ज़्यादा मोटे मोटे स्टेम नहीं थे। तो ये मैं ले रहा हूँ कायाकल्प चाय, सुबह सुबह का टाइम है और दो टाइम ये चाय पीनी है। कायाकल्प चाय की रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और ये 5 ग्राम में 2 कप बनाई है, जैसे कि मैंने गलती से उसमें बताया था कि 5 ग्राम में एक ही बनाओ, तो वीडियो जा करके देख लो, 5 ग्राम में 2 कप बनानी है, तो ये बीच में आ गया था। अब ये सब्जी देखो थोड़ी सी पक चुकी है, 75 to 80% ये पक चुकी है। अब हम लेंगे पीनट्स, और पीनट्स के साथ लेंगे ग्रीन चिली, उनको डालेंगे हम एक मिक्सी जार में। और मिक्सी जार में डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से पीस लेंगे, और मोटा मोटा रह जाए तो फिर से थोड़ा सा पानी डाल करके पीस लेंगे, अच्छी तरीके से पेस्ट होना चाहिए।
और जब नट्स आप सब्जी में डालते हो तो वो विटामिन मिनरल्स को एनहांस करता है, क्योंकि नट्स में तो विटामिन ए एंड ई होता ही है, और सब्जी में भी जो विटामिन ए एंड ई होता है जो ऑयल के साथ मिक्स होकर के आपके बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से लगता है। और समटाइम डिफिशेंसीज ऑफ विटामिन मिनरल्स आपके वेट गेन का कारण बन जाती है, तो इस बात का ध्यान दीजिए। आप अगर आपके बॉडी को विटामिन मिनरल्स लग नहीं रहे तो आप तब भी मोटे होते, और जब आपके बॉडी में विटामिन मिनरल्स लग नहीं रहे होते तब आप बहुत ज़्यादा अंडर वेट भी हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, अगर विटामिन मिनरल्स मिलते नहीं है तो कम ज़्यादा होते हैं। किसी किसी के वजन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है ना खाते हुए भी, और किसी किसी का खाते हुए भी बिल्कुल ड्रॉप होने लगता है, तो इस बात का ध्यान दो। आपकी डाइट में अगर हेल्दी ऑयल्स, हेल्दी फैट्स, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा में है, आप अच्छी खासी सब्जियाँ वगैरह फ्रूट्स खाते हो, तो आपका वजन ना तो बढ़ेगा ना तो कम होगा, आप मॉडरेट वेट पर हमेशा रहोगे। और इसलिए मैं आप लोगों को ये सब्जियाँ बनाने का तरीका, ये रेसिपीज, हेल्दी रेसिपीज, पनीर हो गया, अंडा हो गया, ये सारे प्रोटीन वाले, सब कुछ प्रोटीन वाले नूडल्स, सब कुछ मैं आप लोगों की हेल्थ को सोच कर करता हूँ, ताकि कोई ज़्यादा मोटा भी ना हो और कोई अंडरवेट भी ना हो। तो इसलिए मुझे स्लिमिंग के वाले में भी यही बोलना पड़ता है और वेट गेन के बारे में भी यही बोलना पड़ता है। तो सब्जी यहाँ पे बन चुकी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।